Jones, what have you learned? पहले क्या था, नैनो यूरिया में 4% नाइट्रोजन थी आपकी, लेकिन अब क्या किया इफ्को ने, नैनो यूरिया प्लस बना दिया, उसमें 20% नाइट्रोजन है। अब आप उसका इस्तेमाल करके अपने खेतों में अधिकतम उपज प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के। और मैं आऊँगा आपके खेतों पे, दोबारा डेमो लगाया जाएगा, नैनो यूरिया प्लस का लगाया जाएगा, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि दानेदार यूरिया और आपका नैनो यूरिया प्लस दोनों में क्या अंतर आता है। वो बिल्कुल निशुल्क होगा, कोई पैसा नहीं होगा, आपसे लिया जाएगा उसका। ये नैनो यूरिया तो डालना देता है, स्प्रे करा दिए तो ये खाना सब दिखाई नहीं देता था। तभी सरकार ने इसको ने इस चीज़ पे भी विषय पर ध्यान दिया कि नैनो यूरिया में कुछ बात रही होगी, उसको इंक्रीज किया 4% से उसे 20% में कन्वर्ट कर दिया। अब उसमें रंग भी आएगा, उसमें उपज में भी वृद्धि मिलेगी। और देखो, मेरा मानना यह है, हमारे यहाँ किसान वैसे कम से कम 8-7 स्प्रे तो करता ही है। आप नैनो यूरिया को किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कीटनाशक के साथ आप कर सकते हो, नैनो यूरिया का आप कर सकते हो। आपको जा टेस्ट करना है, सबसे पहले क्या करना ना, प्लास्टिक लेना, उसमें थोड़ी दवाई लेना और थोड़ा नैनो यूरिया मिला देना। अगर फट जाता है तुरंत तो नहीं करना, अगर नहीं फट रहा बिल्कुल सही है तो आप कर सकते हो। आप केमिकल के साथ कर सकते हो नैनो यूरिया का इस्तेमाल। सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है नैनो यूरिया, नैनो DAP और सागरी का। ये तीनों मिला के स्प्रे जो करता है ना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ आपको सोनी भाई। इसमें कीटनाशक कौन सा होगा, रोग तो अगले दिन याद आएगा। उसे वो हटाओ, कीटनाशक को हटा दो फिलहाल। आप भी आप नैनो यूरिया हाँ, सबसे ज़्यादा गन्ने में कीट का प्रकोप ज़्यादा है, कीड़े का प्रकोप ज़्यादा है, ठीक है ना। उसके लिए सीधा सागी भी आ रही मार्केट में, उसका भी बढ़िया असर है, ठीक है ना। तो फिलहाल कीटनाशक को रख के अलग, मैं आपको उपज के लिए बता रहा। आप नैनो DAP नैनो खेत में कीट से बचेगा, उसके कुछ मेजर है ना स्टार्टिंग में, गन्ने का ट्रीटमेंट, गन्ने के सेट को ट्रीटमेंट करके बो, ट्रीटमेंट कोई नहीं करता गन्ने के सेट का, बस कट्टर बो दे ऐसे ही। स्प्रे लगाओ, ट्रीटमेंट नहीं होता। जो स्प्रे करो ना, टंच पे स्प्रे करते हो, उस पे दवाई का स्प्रे करा करो। दवाई का ही तो स्प्रे हो रहा है। कोई नहीं, अब की बार जब डेमो कर लगाया जाएगा ना, तो आपके खेत में लगा के दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा यही है कि साल बर्बाद लगे डेमो को, कम से कम अभी राइस बोओगे नहीं, तो भी एक बच जाए, बीजा रोजा वही बच जाए।